थाने में विस्फोटक मिलाकर जंगली जानवरों का शिकार करने का मामला सामने आया है। टीकमगढ़ के वन क्षेत्र मधुबन में कुछ बंधिया जाति के युवक खाने में विस्फोटक मिलाकर जंगल में रख देते थे और जब भी कोई जानवर या पालतू जानवर उसको खाता है तो उसके मुंह में विस्फोट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में वन विभाग की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीकमगढ़ में बड़वानी लखवारा रानीपुर से आए ग्रामीणों ने कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान ज्ञापन देकर वन विभाग की लापरवाही और बंधिया जाति के युवकों द्वारा जानवरों के मारने की शिकायत की है। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया कि वन क्षेत्र मधुबन में कुछ बंधिया जाति के युवक खाने में विस्फोटक मिलाकर जंगल में रख देते हैं और जब भी कोई जंगली जानवर या पालतू जानवर उसको खाता है तो उसके मुंह में विस्फोट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जंगल में जाकर जब इसका मुआयना किया गया तो घटनास्थल पर कई जानवरों की लाशें पड़ी मिली जिनके मुंह उड़े हुए थे और उनकी लाश वहीं पड़ी हुई थी। कई लाशों को कुछ बंधिया उठाकर ले गए थे। पहले तो सर पाल समाज की बकरियां भेड़े पकड़ के काटते थे, उन्हें खा जाती थी और यदि कोई उन पर दबाव बनाता था तो लड़ने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाती थी। अब ये हथगोला बना के वो जगह जगह रखने लगी है जिससे गाय भैंसे और जानवर मारे जा रहे हैं। इसकी हमने कलेक्टर को आवेदन दिया था कि सर यदि इस प्रकार का आतंक इन लोगों द्वारा किया जाए तो हम लोगों को 10-20 गांव जैसे लखौरा, बड़माड़ी, बहादुरपुर, मोहनपुरा, हजूरी नगर और टीकमगढ़ से लगा हुआ जो मधुबन का क्षेत्र है जीना दूभर हो गया है। इस मामले में कहीं न कहीं वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही नजर आती है। जब इस संबंध में एरिया रेंजर को फोन पर संपर्क किया तो सभी के मोबाइल बंद पाए गए। दो दिन बाद डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सिंगर से बात की गई तो उन्होंने अपने बीट निरीक्षक और अन्य कर्मचारियों को दिशा निर्देश देने की बात कही, लेकिन कहीं न कहीं ग्रामीणों में कुछ बंधिया शिकारियों को लेकर भय व्याप्त है। जानकारी के अनुसार बंधिया समाज का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जिले के कई थानों में कुछ बंधियाओं के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि ये मधुबन के मावंग गांव के पास के जंगल से जी के क्षेत्र में इस तरह की सूचना मिली थी मीडिया के माध्यम से, तो उसके संबंध में तत्काल अपने SDO टीकमगढ़ को अधिकृत किया हुआ है, निर्देशित किया हुआ है कि वो उसकी तत्काल जांच करें और यदि ऐसा कोई पाया जाता है तो तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।